नमस्कार, आज हम बनाएंगे एकदम फूले हुए भटूरे। तो यहाँ पे हम एक परात लेंगे, इसमें डालेंगे हम 4 टेबलस्पून सूजी। सूजी अगर बारीक है तो उसे ना पीसे, अगर मोटी है तो उसे हल्का सा पीस लें। फिर इसमें डालेंगे हम दही, दही अगर हल्की सी खट्टी है तो अच्छा है। फिर यहाँ पे डाल देंगे हम नमक और पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने हल्का सा पीस लिया है। फिर यहाँ पे सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसे फेंट लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और जो सूजी है वो अच्छे से फिर हमारी क्या होगी, फूल के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए इसे मैंने ऐसे छोड़ दिया है और 2 मिनट के बाद देखिए हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल तैयार है। फिर इसमें डाल देंगे हम 2 कप मैदा, आप यहाँ पे 2 कप आटा भी ले सकते हैं। बेकिंग पाउडर डाल दिया यहाँ पे, आप इसकी जगह अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है और फिर एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है, इसलिए मैदा को पहले दही के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसमें तेल डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके। ये देखिए हमने आटा गूंद लिया है, जो आटा है वो रोटी के आटे से हल्का सा पतला ही होना चाहिए और जब आटा गूंद जाए तो इसे 5 से 6 बार हमें पटकना है। इससे क्या होगा कि जब हम भटूरे बनाते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, इससे बिल्कुल भी हमारे भटूरे नहीं सिकुड़ेंगे। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसे फिर हम ढक के रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें गीले कपड़े के नीचे ही रखना है, किसी बर्तन के नीचे भी आप इसे रख सकते हैं। इसे हम फिर से एक बार अच्छे से गूंद लेंगे। मैंने 2 घंटे के बाद चेक किया था, बिल्कुल अच्छे से हमारा आटा तैयार था। तो इसे फिर से मैंने एक बार गूंद लिया और बिल्कुल एकदम स्मूथ तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हाथों पर हल्का सा पहले ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने से क्या होगा कि जो वो आटा है बिल्कुल भी हमारे हाथों पे चिपकेगा नहीं और हमें ऐसे रोल करके लोइयाँ तोड़ लेनी है। इससे क्या होगा कि एकदम स्मूथ लोइयाँ हमारी बनके तैयार होंगी। सारी की सारी हमें लोइयाँ ऐसे तैयार कर लेनी है। लोइयाँ जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने छोटे या बड़े भटूरे बनाने हैं। सारी लोइयों को एक बार फिर से ऐसे राउंड राउंड घुमा लें ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। फिर यहाँ पे लिया है मैंने एक चॉपिंग बोर्ड, आप यहाँ पे चकला भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे दोनों चीज़ों को। यहाँ पे आप थोड़ा सा नहीं तो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। लोई रखेंगे, हाथों से हल्का सा इसे फैला लेंगे। मैंने यहाँ पे इन्हें ओवल शेप में बेला है, आप इन्हें राउंड शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी जो आटा है वो हमारे बेलन से नीचे पक रहा है, बिल्कुल आराम से ये बेल के तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बेल लिया हमने, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे नहीं तो क्या होगा, बाहर से कलर आएगा अंदर से कच्चा रह जाएगा, और ना ही ज़्यादा पतला करेंगे नहीं तो डालते हुए फट जाएगा। यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, देखिए अच्छा सा गर्म हो गया है, बिल्कुल अच्छा तेल जो है वो गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही हमें भटूरा डालना है। अभी मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा हुआ है, अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तेल तो फिर गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर दें। ये देखिए कितना एकदम से हमारा जो भटूरा है फूल गया है, दोनों तरफ से मैंने इसे बहुत अच्छे से सेक लिया है। कई लोगों को क्रिस्पी पसंद होते हैं, कईयों को सॉफ्ट, तो मैंने इसे एकदम क्रिस्पी भटूरा बना के तैयार किया है। बिल्कुल एकदम फूले फूले से भटूरे हमारे बन के तैयार होंगे। बस थोड़ी सी टिप्स की ज़रूरत होती है कि कैसे हमें भटूरे बनाने हैं, तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें कि जब भी आप भटूरे बनाएं तो उस आटे को गूंद के पहले थोड़ा सा पटक लें। जब भी हमने भटूरों को बेला है बिल्कुल भी हमारे भटूरे जो हैं वो सिकुड़े नहीं हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है और सारे के सारे भटूरे ही एकदम फूल के तैयार हुए हैं। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें
शेयर करें, सावरा पेज को सब्सक्राइब करें। ये देखें बिल्कुल एकदम से गुब्बारे की तरह जो भटूरे हैं हमारे वो बन के तैयार हुए हैं। ये देखें मैंने फिर से इस पर एक बार ऑयल लगा लिया था, बिल्कुल आसानी से बेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बेलने में अगर आप अच्छा सा ऑयल लगा ले तो। और जो तेल है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, अगर आप इसे ठंडे तेल में डाल देंगे एक तो ये तेल ज़्यादा पिएगा और दूसरा ये फूलेगा ही नहीं, बस ऑयली ऑयली हो जाएगा और बहुत ही हार्ड बन के तैयार होगा। इसलिए हमें भटूरों को बिल्कुल अच्छे से गर्म तेल में फ्राई करना चाहिए। ये देखिए एकदम फूल के हमारा भटूरा तैयार है।